अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। ललितपुर ब्रेकिंग न्यूज। ललितपुर से महरौनी की ओर जा रही पढ़ौरिया बाग के पास अनियंत्रित होकर बस खाई में गिरी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर घायल हो गए। मौके पर पहुंचा जिला प्रशासन आनन फानन में घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश कुबेर द्वारा बताया गया कि घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल में लाकर तुरंत इलाज कर वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ बलराम पचौरी की रिपोर्ट। सर क्या है पूरा मामला? लगभग 6 बजे ये दुर्घटना सूचना हम लोगों को मिली और हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे। बस और एक मोटरसाइकिल के बीच ये मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में बस पलटी है वहाँ पर जी। 20 लोग उसमें थे और 4 की डेथ हुई है, बाकी सब यहाँ पे हैं। 15 लोग घायल हैं ज़्यादा, बाकी को कम छोटे हैं। सर मुझे दफर किया जा रहा है अभी, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि यहीं मैनेज हो जाएगा। अगर एक दो किसी की हालत बिगड़ती है तो उनको रेफर करेंगे, अन्यथा मेजर फ्रैक्चर के मैटर ज़्यादा हैं, इसलिए तो यहाँ कोई वैसी दिक्कत नहीं है, यहाँ सारी व्यवस्था। बाइक सवार की भी मौत हुई है? हाँ, उसमें 4 लोग हैं, एक महिला है, 3 पुरुष है। वो आइडेंटिफाई करेंगे अभी, अभी तो बहुत अर्ली है। उनका निकल है पहले, उनके डिटेल्स आ जाए फिर उसके बाद राहत की कार्रवाई। अब क्या हादसा हुआ है बस पलटने का मामला सामने आ रहा है? जैसे ही सूचना मिली महरौनी रोड पर, ललितपुर के महरौनी रोड पर बस का एक्सीडेंट हुआ है और ये सूचना जैसे ही हमको प्राप्त हुई, हम लोग बीसी में थे, आज मुख्य सचिव की बीसी थी उसमें, तो जैसे हमको सूचना मिली हमने तुरंत जो है एक्शन में आए और हमने वहाँ जो है 36-37 एम्बुलेंस तुरंत भेजी और जिलाधिकारी महोदय भी तुरंत जो है रश कर दिए। वहाँ गए वहाँ पर एक्सीडेंट साइट पर और उन्होंने जो है हमको यहाँ भेज दिया, क्योंकि यहाँ जो मरीज आना थे उनको मैनेज करना था। तो मैं और पूरे मेरे डॉक्टर, क्योंकि मैंने उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो CM है उनको बता दिया था कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ। कैजुअलिटी के बारे में अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ था एक्सीडेंट साइट पर नहीं था, इसलिए मुझे कैजुअलिटी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन कुछ कैजुअलिटी सुनने में आया कि कुछ लोग जो है मरे हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद 2 या 3 लोग होंगे ऐसा सुनने में आया। आप लोगों को सूचना दूं तो मुझे एक पुलिस वाले ने मेरे सर बदतमीजी की मेरा हाथ पकड़ा, बोले क्या कर रहे हो तुम, वीडियो बना रहे हो? मैंने कहा फोन लगा रहा हूँ अपनी टीम को, मीडिया को फोन लगा रहा हूँ।